राजधानी भोपाल के वार्ड नंबर 19 में सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशी वसीम उद्दीन पप्पू भाई को ट्रोल किया गया। हालांकि पप्पू भाई का कहना है, इससे मुझे फायदा ही पहुंचा है, लोग मेरे कार्यालय पहुंच रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। भोपाल नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जो है चरम पर है। हम इस वक्त वार्ड नंबर 19 में है, जहां से कांग्रेस उम्मीदवार पप्पू भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पप्पू भाई, आपके वार्ड में आप 20 साल से सक्रिय हैं, राजनीति कर रहे हैं, इस बार आपको कांग्रेस ने मौका भी दिया है। क्या लगता है वार्ड में क्या काम होना चाहिए और पिछले जो पार्षद हैं वो क्या काम करने से चूक गए? वार्ड में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, साफ पानी। क्या है, पहले दोबारे में टंकी टूट गई, अब जो है निर्माण टंकी का हो गया है ओवरब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर। सबसे पहले ये होगा कि समस्या पानी की समस्या जो है उसको सुलझाना है कि पानी कैसे साफ पानी दे सकें लोगों को, हम पानी की जरूरत पूरी कैसे कर सकें, सबसे बड़ा प्रयास वही रहेगा। देखिए पप्पू भाई, वार्ड 19 को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार यहाँ काफ़ी निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। आपके जो जनसंपर्क है उसमें भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है, क्या लगता है आपको, क्या वो भीड़ आप उसको जीत के रूप में देखते हैं? देखिए, जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये इसी भीड़ ने मुझे टिकट दिलाया है, यहाँ तक लाने के लिए यही भीड़ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव जीत के आएंगे हम लंबे वोटों से। यहाँ पर जहाँ तक निर्दलीयों का सवाल है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जनता जानती है पप्पू भाई 20 साल से हमारे बीच में, हर दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं, हर परेशानी में हमारे साथ रहते हैं, और पप्पू भाई जैसे आदमी हम हर तरह से काम करवा सकते हैं इनसे। वार्ड 19 में वोटर को जो है पोलराइज होने का काम भी यहाँ किया जा रहा है, जिस तरह से आप पर इल्ज़ाम भी लगे हैं, कई आपके कार्यालय में कुछ लोग भी पहुँच रहे हैं आपके समर्थन में, क्या लगता है आपको कि उसको लेकर चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, सब समझदार लोग हैं, तोड़ मड़ो के उस बातों को पेश करा गया है, हमने भी मैंने उसका खंडन भी कराया है कि देखिए कोई भी वो कहते हैं ना, जो भी भंडार जो भी करा है उन्होंने कार्यक्रम यहाँ पर हनुमान चालीसा, सब गलत है ये, उसका मैं खंडन कर रहा हूँ, पहले भी खंडन करा है। सिर्फ लॉकडाउन में जो आर्य मसूद साहब ने हम लोगों को जो आदेश दिए थे कि आप अपनी मस्जिदों के इमामों को, अपने मंदिरों के पुजारियों को, और जो वार्ड में जनता परेशान है उसका ख्याल रखिए कि कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, खाने पीने की कोई परेशानी तो नहीं है, कोई अस्पताल जाने वाला तो नहीं है, कोई अस्पताल में एडमिट तो उसके पास कैसे पहुँचाया जाए, हम उस काम को अंजाम दे रहे थे। उसी काम के लिए कुछ पंडितों ने आके हमारे क्षेत्र के हमारा स्वागत करा, वो स्वागत के अंदर उन्होंने जिस तरह हम कोई अच्छा काम करते हैं, हम कुरान खानी करते हैं, हम दुआएं करते हैं, इसी तरह उन्होंने हमें एक आशीर्वाद दिया था उसके रूप में। अब कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ के उसको पेश कर दिया, लेकिन हम अपने उलमाओं से मिले, हम अपने मुफ्ती कलाम साहब से मिले जाके, काई साहब को हमने बात रखी साहब, जिस तरह की लोगों भोपाल के अंदर माहौल ख़राब करने के लिए माहौल ख़राब कर रहे हैं कुछ लोग मिल गए, तो उन्होंने हमसे कहा आप जाइए चुनाव लड़िए, इन बातों से कुछ भी नहीं होता, और लोग गए उनके बाद, उन्होंने मना कर दिया कि इससे कुछ होता, इसलिए कि अब चीज़ें होती हैं ये वाली, हमारे भी उलमा जाके कहीं ना कहीं जाके ऐसी जहाँ पर जाके पढ़ते हैं अपने हिसाब से, उन्होंने तो सिर्फ 2 मिनट का एक आशीर्वाद देने के लिए हमें अपने हिसाब से उन्होंने आशीर्वाद दिया। लेकिन पप्पू भाई, अगर देखा जाए इस वार्ड में जो है कांग्रेस का गढ़ है, मुसलमान जितने भी हैं वो यहाँ कांग्रेस को ही पसंद करते हैं और उसको ही जिताते आ रहे हैं, क्या ये एक चुनावी स्टंट था जो आपने हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए अपने? देखिए, ये वार्ड जो है वैसे भी 80% मुस्लिम वार्ड है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जो आर्य मसूद साहब ने अपनी विधानसभा में बोया है, जो उन्होंने कार्य करे थे, उसका हमें सिला मिल रहा है। अब लोग आ रहे हैं कि एक विधायक ने एक अच्छे आदमी को खड़ा करा है यहाँ पर, तो उसी तरह सभी धर्मों को लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा हम अलीगंज भी गए थे, वहाँ भी हमारा प्रोग्राम हुआ, आप पंडित नगर में गए थे, वहाँ भी हमारा सम्मान हुआ। अमूमन हम देख रहे हैं आपकी जितनी भी जनसभाएं हैं बहुत लंबी फेरिस्ट है, काफ़ी लोग हैं, आपको पसंद भी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है जो आप पर आरोप लग रहे हैं, हमने देखा पिछली जनसभाओं में आप पर जो रस्सी बम फोड़े जाने हैं उसको बंदूक बताया गया, आपके जो वार्ड में कार्यालय में कुछ लोग पहुँचे आशीर्वाद के लिए तो उसको कुछ और बताया गया, लेकिन क्या आप इतने आरोपों के बीच में किस तरह महसूस कर रहे हैं और किस तरह अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं? देख लीजिए, कोई कितना ही रोक ले, मेरे वार्ड की जनता इतने वोट दे के मुझे जिताएगी कि वार्ड नंबर 19 का इतिहास लगाएगा। जिस तरह आरिफ मसूद साहब को जिताया था उसी तरह मुझे जिताएगी, कितने ही लोग रास्ते रोक लें कोई मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगा। यकीनन आपको वार्ड में जो भीड़ है वो जाहिर करती है
कि लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन आप जनता से क्या उम्मीद करते हैं वो भी आप कहीं ना कहीं उस भीड़ को समझ चुके होंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या काम ऐसा करेंगे पार्षद बनने के बाद। देखिए, सबसे बड़ा काम तो मेरा ये रहेगा, जो भी सरकारी योजनाएं नगर निगम में आती हैं अक्सर वो यहाँ तक बाढ़ तक नहीं पहुँच पाती। जिस तरह लोन होते हैं, गाड़ी लोन पे मिलती हैं, जो बेरोजगारी वाली चीज़ें होती हैं, मैं इंशाल्लाह उनको यहाँ लाऊंगा और रोज़गार देने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, ये थे वसीमुद्दीन पप्पू भाई, जो वार्ड क्रमांक 19 से कांग्रेस के बहुत भारी प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि पूरे भोपाल शहर में सबसे ज़्यादा अगर जो वार्ड में चुनावी जो माहौल तैयार हुआ है उसमें जाहिर हो जाता है, आरोप भी लगे कई दफ़ा जो है उन पर, क्षेत्रवासियों ने जो कई तरीके के लोग यहाँ पहुँचे उन्होंने इनका सम्मान भी किया, उनके कार्यालय में पहुँचे भी, लेकिन लोगों ने उसको आरोप की तरह सोशल मीडिया पे पेश किया, जिसका खंडन पप्पू भाई ने एक बार नहीं बार बार किया है। लेकिन जिस तरह से भीड़ पप्पू भाई के प्रोग्राम में, उनके जनसंपर्क में पहुँच रही है, उससे जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 19 कांग्रेस का गढ़ था और आगे भी इस तरह का इतिहास रचा जा सकता है।